सभी को नमस्कार। आप लोग का सावने नहीं है। मैं आप सभी का बीच में है, खास आप लोग इतना जानकारी है उसी बीच में हम बहुत चौथा है। तो जो भी हो, आज आप सभी का बीच में यह टॉक शो में मुझे एक चीफ गेस्ट का रूप में आप सभी ने बुलाया और आप सभी का साथ मिलने का मौका दिया, भगवान को शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही आज कर्दोनियर जी, MLA साहब गेस्ट ऑफ ऑनर का रूप में, जैसे कि केंतोजीनी जी, ये तो इस टॉक शो का मालिक बोलो उसमें वो दिल लगा के बैठा हुआ है। तो इसमें SP साहब है हमारा, जो नाबम जी है, साथ ही आप सभी ने बहुत से डिफरेंस अपना अपना जो कलाकार है, जो अपना अपना जो भी चीज़ जानता है उसमें आप लोग हर दौर में अपना अपना आगे में है। और सभी साथीगण दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा ये 3 हो गया, अभी फिर हम और 500 एक 500 में जाएगा, 4 होगा। तो दुर्जी खांडो साहब हमको हमेशा बोलता था, कचो तुम चीफ गेस्ट को भी रेकॉर्ड तेकॉर्ड तोड़ दिया। तो यहाँ ईटानगर में ऐसा है, हम स्टैंड बाय चीफ गेस्ट, स्टैंड बाय गेस्ट ऑफ ऑनर बनना पड़ता है। तो इसीलिए कभी कभी बहुत तक जाता है। तो हम उस दिन बोला था कि हम क्या जाने पहुंच नहीं पाएगा, आप लोग को थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए एग्जैक्ट टाइम में मैं आने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैं पहुंचने का कोशिश किया, फिर अभी जो है वहाँ 6 बजे को है, तो वहाँ हम निकल जाएगा। तो मैं इसमें 2-3 शब्द कहना चाहूँगा। आप सभी ने इस साल भर में बहुत से चीज़ कमाया और बहुत से चीज़ छुपा के रखा था, दिल का अंदर में रखा था, आप सभी ने बाहर में ले आने का कोशिश किया। ये आप लोग का एक कलाकार है और ये जिंदगी ऐसे जिंदगी है, हम लोग क्या दहाता आज क्या है और पता नहीं कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। जिंदगी का उतार चढ़ाव को भी कोई कुछ नहीं कह सकता है। कभी बहुत हंसी खुशी में जलता है आदमी, जीता है, खाता है, पीता है। अभी हम लोग का बीच में एक नया रिश्ते में कभी कभी बहुत दुख लगता है और कभी कभी सोचता है कि हम तो कभी कभी सोचता है कि हम जो कोई ऐसे पार्टी उड़ती में भी नहीं जाएगा निकी, ऐसे कभी कभी सोचता है। अभी जैसे कि मणिपुर है, अभी ये 40-50 दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा आदमी मर गया। कितना लोग अपना घर द्वार से अलग थलग हो गया, ये भी एक जिंदगी जीते जाते में हम लोग देखने को मिला। और हम लोग भगवान से ये दुआ करना है कि हमारा स्टेट में भी कभी इसी तरह की कभी भी आने ना दे। हम सभी एक भाईचारा में, अभी सुबह में हम एक मंदिर में गया था, दोनी पोलो का एक मंदिर में उद्घाटन करने के। बहुत से ऐसा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दोनी पोलो है, बुद्धिज्म है, जैन है, धर्म तो सभी धर्म अच्छा का लिए है। आप गलत काम मत करो, मारपीट मत करो, आप किसी को अन्याय मत करो, आप किसी को मत सताओ, हर धर्म कहता है। लेकिन उस धर्म को जो गाइड करता है, उसका जो फॉलोवर है, उस पथ में जो बैठता है, वो कभी कभी ऐसे मिस यूज कर देता है कि हमको ये सब भुगतना पड़ता है, आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जो आदमी बिल्कुल भगवान से डर के जिएगा, वो आदमी कभी जिंदगी में गलत काम नहीं करेगा। जो आदमी
अपना माँ बाप का बात मान कर चलता है वो आदमी इतना गलत काम नहीं करेगा। जो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, अपना जो प्रिंसिपल, अपना जो टीचर का बात बिल्कुल जो मानता है, वो आदमी कभी भी इतना गलत रास्ता में कभी नहीं जाएगा। ये चौथा से जिंदगी है। इस जिंदगी में किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 70 साल, किसी को 20 साल, और कोई कोई लोग तो जन्म होने का बाद 5 मिनट का बाद भी मर जाता है, कोई लोग 2 दिन का बाद में भी मर जाता है। ये जिंदगी में जो आता है वो जाना तय है। जाने से पहले आप हम मिलके एक अच्छा काम करके जाना है। आज आप लोग ने साल भर में कौन से किसका कलाकार है जो अपना दिलो दिमाग में समा के रखा था, आप लोग किसी को उबार के लाया, और ये ना आप रहेगा ना हम रहेगा, हम लोग चला जाएगा, और ये जो है हमेशा रहेगा जब तक गूगल आई रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और इसको देखते हुए आने वाला जो जेनरेशन है, इससे बेहतर और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। तो इसलिए इस बीच बीच में हम कभी कभी बोलता हूँ, कोई लोग नाराज भी होता होगा, कोई लोग खराब भी पाता होगा। हर इंसान का एक लालच होता है, और लालच नहीं होगा वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। कोई पढ़ लिख के मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई पॉलिटिशियन बनूंगा, कोई बिजनेस करूंगा, वो अपना अपना एक विचारधारा होता है। दिल से अगर कोई भी चीज़ को अपना नहीं लगेगा वो हासिल करेगा ही करेगा। अगर आप सिर्फ आँख देखना है, सिर्फ यहाँ से बोलना है, यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकलना है, अगर आप ऐसे अगर सोचने लगेगा, हाँ हो सकता है आप करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसका बात आदमी बोलने लगेगा, तो ऐसा है, उनका कोई जवान नहीं है, उनका कोई हर बातों में उनका हुई है, वो कोई खुद जीता जाता सबूत है, उनका कोई भी हर चीज़ में वो बोल के जाता है, वो चीज़ वो अमल नहीं करता है, वो बोलने लगेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब था कि आप दिल से अगर कोई भी चीज़ को विश्वास करके अगर आप आगे बढ़ेगा, हिंदू धर्म में एक कहावत है, मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। अगर मेरा भगवान है, मेरा माई मेरा भगवान है, मेरा पिता मेरा भगवान है, मेरा दोस्त मेरा भगवान है, अगर सोच के अगर इसको अगर मानने लगेगा, करने लगेगा, तो उनको एक ना एक दिन उनका अपना मंदिर में किसी भी हालत पहुँचेगा, वो अपना कामयाब होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। इसीलिए आप सभी का साथ हम ज़्यादा बैठ नहीं पाएगा, मेरा बात को यहाँ बोल के मैं यहाँ से दूसरा पांसुन में जाएगा। अगर कभी अगर हम लोग किसी तरह की अगर मुलाकात होता है तो, और कुछ बात उस समय में कुछ रखूँगा, और आप लोग से भी कुछ जानने का कोशिश करूँगा। ये चौथा से ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी जब तक हम लोग इस धरती से जाने से पहले एक अच्छा काम करके जाना है। जो एक अच्छा माँ, एक अच्छा बाप, अच्छा बेटी, अच्छा बेटा बन के जाना है। और आज का डेट में कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है। बीमार होने से हॉस्पिटल में जाते हैं। और हमारा समाज में, हमारा सोसाइटी में, हमारा जो भाई लुक है, हमको किसी भी हालत मरना है, हम किसी भी हालत माँ को सताना है, हम किसी भी हालत दोस्त को सताना है, किसी भी हालत हम बाप को सताना है। ऐसे एक आजकल का जमाना में ऐसे एक समय आया, अच्छा अच्छा घर का बेटा द्रग लेता है, माँ को प्रसन्न करता है, बाप को प्रसन्न करता है, भाई को प्रसन्न करता है, और जो हमारा जो अच्छा अच्छा घर का माँ बाप जो है, मेरा बेटा द्रग ले रहा है,
मेरा बेटा को कोई बताओ, कोई समझाओ, कोई नहीं बताता है। वो बताने का नहीं बताने का बजाय ये जो है एक बीमारी का जैसे फैलते जा रहा है। तो इसीलिए मैं आज आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप शर्म मत करो, किसी का भी घर में हुआ बताओ, आप हम मिल के उसको उससे दूर करने का हम लोग कोशिश करना चाहिए। और ये कोशिश आने वाला दिनों में हम लोग का लिए, आने वाला जनरेशन का लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप इसी तरह की सोचेगा, ये गालों का बच्चा पीता है तो पीने दो, ओनसी का बच्चा पीने है तो पीने दो, ये नेपाली का बच्चा पीता है तो पीने दो। अगर आपका दिल में अगर ऐसे सोचने लगेगा, कल एक सेक्टर में अगर 10 पी लिया, अगर 15 पी लिया, 20 पी लिया, तो आप वो घर में तो माँ बाप को तो परेशान करेगा ही करेगा, सड़क पे आएगा, सीधा रास्ता में खड़ा होगा, आपका गाड़ी का आगे में आएगा, धूमधाम मारने लगेगा, पैसा दो। अब उसको कितना बार पीतेगा, एक बार पीतेगा, दो बार जेल में डालेगा, उसका बाद पीने का बाद तो उनको ना होश ना हो, कोई सेंस में नहीं रहता है। इसीलिए उसको आप जाति मत देखो, धर्म मत देखो, ऊंच नीच मत देखो, उसको मिलके आप हम मिलके उसको बचाना है, अपना सेक्टर को बचाना है, अपना गांव को बचाना है, अपना डिस्ट्रिक्ट को बचाना है, अपना स्टेट को बचाना, अपना देश को बचाना। मैं ऐसे सोचता हूँ और ऐसे मैं मानता हूँ। अगर उसमें हम लोग लगा रहेगा तो कम से कम हम लोग बच सकता है। कभी कभी हम लोग देखता है, जैसे हम 2-3 दिन पहले भी हमने एक मीडिया में अपील किया था, हम लोग यहाँ जो है डिसिप्लिन का बात बहुत बोलता है, यहाँ से निकलने का बाद डिसिप्लिन होता नहीं है। रास्ता में सभी आएगा, 2 लाइन का जगह में 4 लाइन घुसा देगा, एक आकर एकदम आराम से रास्ता में बंद करके रखेगा, उसका बाद हम लोग पुलिस को टेलीफोन करता है, आप आओ इसको हटा दो। हम लोग एक दूसरे का ऊपर में इतना डिपेंड क्यों करेगा, उसको अगर आप हम अगर मेंटेन करके जाने से हमको डिसिप्लिन होगा। इसीलिए मैं इससे हाथ का थोड़ा बहुत बाहर चला गया, इसमें आप लोग को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौका में आज हम बोला, कल आप किसी को बोलेगा तब जाकर हमारा सेक्टर, हमारा गांव, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट, हमारा कैपिटल सुधार सकता है। अगर हम आप डिसिप्लिन में डिसिप्लिन मेंटेन करेगा और हम अगर नियम का अंदर में रहकर काम करेगा तब जाकर आने वाला जेनरेशन वो फॉलो करेगा। तो ये हम, ये मेरा विचार है, मेरा सोच है, मेरा सोच में अगर कहीं गलत हुआ, आप लोग का अगर दिलो दिमाग में नहीं बसा, मुझे क्षमा कर देना। अगर अच्छा लगा इसे लेकर आप लोग आगे लेकर जाकर आप अपना अपना हिसाब में अपना और ज्ञानी को इसमें जोड़ के और अच्छा से अच्छा आने वाला जनरेशन को समझाएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। इसीलिए आप सभी को 1 साल पूरा होने का बहुत बहुत बधाई हो, और आने वाला दिनों में आप सभी ने और भी बेहतर आप लोग कार्य करेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। यहाँ का जितना भी कमिटी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तमाम आप सभी को, पार्टिसिपेट को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे अगर कुछ गलत लगा आप लोग क्षमा कर दो। थैंक यू वेरी मच।